तो गाइज, आज आप सबका वेलकम करने से पहले मैंने सोचा आपको एक शॉर्ट दिखाती हूँ कढ़ी का। मैंने बहुत प्यारी कढ़ी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खट्टी वाली, एकदम खट्टी कढ़ी खाना, तो मैं इसलिए उसको कढ़ी बनाई थी। मैंने काफ़ी देर तक दही को रखा और मैंने उसके साथ पकौड़ी बनाई थी। पकौड़ी मुझे कढ़ी में पसंद नहीं है, लेकिन अजय खाते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी उनके लिए बना देती हूँ, और रीमा को भी पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैंने अजय को बोला कि गरम गरम टेस्ट भी कर लो, क्योंकि उनको जुकाम कोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है ना, गले में दिक्कत रहती है। तो मैंने सुना है ऐसा कि दादी वगैरह बोलते थे कि गरम गरम कढ़ी खिला तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने उनको टेस्ट कराई तो उनको अच्छी लगी। और अभी मैंने रीमा को बोला कि अब तू बर्तन कर दे, तो आज तो मैं इतना ही शूट कर पाई, ज़्यादा मैं शूट कर नहीं पाई सामने से, क्योंकि कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो अभी 3 बजने वाले हैं, तो अभी मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। रीमा बोल रही है मेरे को चाय नहीं पीनी, वो चावल खाएगी। तो अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं चाय बना लूँ, रस वगैरह खा लूँ। और मेरा फेस थोड़ा सा आज हैवी हैवी फील दे रहा होगा आपको, मोटा लग रहा होगा। आज मेरी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं दिन में भी सोई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नींद मेरी पूरी हो नहीं पाई है। मतलब मैं डीप स्लीप में नहीं गई, ऐसा लगा कि सोते सोते भी मतलब जाग ही रही हूँ। तो अभी चलते हैं चाय बनाने, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ। ये रेडी हो चुकी है व्लॉग के फेस लिए। आ रहा है कि क्या? अभी मैम सो के उठे हैं। नहीं यार, फेस उसकी वजह से नहीं हो रहा, कहाँ मेरे को नींद भी नहीं आ पाई ढंग से, ऐसा फील हुआ मुझे। चलते हैं चाय बनाने, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पर मन चाय पीने का ही कर रहा है। वैसे तो मैं सोच रही थी दूध बना लूँ अपने लिए, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि चल चाय पी लेती हूँ। और चाय के साथ कल ना हम सूजी वाले टोस्ट लाए थे, रस नहीं होते बड़े बड़े सूजी के और मिल्क के, वो खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अभी मैं वो खाऊंगी। अभी दीदी, जैसे आपको बताया था कि दीदी खाना बना रही है मेरे लिए, मतलब कि चावल हाँ, और चा चावल रखे हुए थे तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ बस। चावल पहले मेरे को लगता था कि इनमें क्या ही टेस्ट आता होगा, पर लेकिन टेस्ट आता है, जो मिर्ची खाता है वो खा सकता है, मसाला खाता है वो खा सकता है, टेस्टी लगते हैं। देखो ये वाले कर रही थी मैं, ये बहुत सही रस है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। ये तो मैं रीमा के लिए लाई थी, अपने लिए नहीं लाई, एक दो खाती हूँ मैं बस। ये मेरे को बहुत सही लगे, और मेरी चाय बन चुकी है और ये रीमा के चावल बन चुके हैं, तो अब इनको खाते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। उसके बाद ये भी सोचना है शाम को क्या बनना है, यार सबसे बड़ी टेंशन है एक औरत के लिए। तो चाय पीते पीते सोच लेंगे कि खाने में क्या बनाया, और टीवी भी देख लेंगे साथ साथ। तो गाइज, अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, अभी मैं चाय पी के थोड़ा सा टीवी वगैरह देखने लग गई थी, क्योंकि मेरा मतलब थोड़ा आराम करने का, आराम बैठने का मन कर रहा था। यहाँ पे लाइट है, यहाँ से बात करती हूँ। तो मैं टीवी वगैरह देखने लग गई थी, उसके बाद अभी थोड़ा सा ये जो फैला हुआ है इसको संगवाते हैं, लैपटॉप वगैरह, क्योंकि मैंने एक वीडियो लाइव किया है अपना अभी थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ पे सब फैला हुआ है अभी, लैपटॉप वगैरह, चार्जर वगैरह, उनके कंबल वगैरह, तो इनको साफ करते हैं, तय वगैरह करते हैं, उसके बाद सोचूंगी आज क्या बनाना है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊं। कल तो मैंने कढ़ी चावल, हाँ मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं, कल मैंने कढ़ी चावल बनाए और कढ़ी चावल खाए, उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब रात को शायद 9-10 बज रहे थे, तो उसके बाद मेरे को मतलब नींद आने लग जाती है रात में खाना खाने के बाद। तो मैंने इनको बोला, ये अजय और रीमा दोनों बैठे हुए थे बाहर टीवी देख रहे थे, मैंने इन दोनों को बोला कि मुझे ना नींद सी आने लगी है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है तू जाके थोड़ी देर सो जा, 1-2 घंटे रेस्ट कर ले, उसके बाद हम काम वाम कर लेंगे कोई वीडियो एडिटिंग का। तो ये लोग अपना मनी हाइस्ट की सीरीज देखने लग गए, तो इन्होंने मुझे 10 से लेके 12 बजे तक उठाया ही नहीं, मैं सोती रही सोती रही। फिर मेरी अपने आप ही आँख खुली, क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना था, तो मैं अपने आप उठी हूँ। उसके बाद पता है क्या हुआ यार, पता नहीं क्या इतना ज़्यादा ब्लोटिंग फील होने लग गया, ऐसा लगा यहाँ पे कुछ अटक रहा है, मतलब शायद मैं खाते ही लेट गई थी इस वजह से ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। उसके बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई, फिर मैं लेटी हूँ, रात भर लेटी रही लेटी रही लेटी रही, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने सुबह 5 बजे उठी हूँ, मुझे भूख लगी, मैंने 1-2 रोटी बना के खाई, कढ़ी के साथ ही खा ली, रोटी बना के खाई, उसके बाद में चैन मिला तो मैं 2 घंटे सोई हूँ। उसके बाद में फिर मतलब सारा दिन मेरा ऐसा गया है कि या तो सो जा या जग जा, या सो जा या जग जा, मतलब नींदों में भी ऐसा लग रहा था कि
मैं लेट गई थी अजय के जाने के बाद, ऑफिस जाने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नींद ही पूरी नहीं हो रही यार, मतलब जागती जागती से सो रही हूँ, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अजय ने बोला जब तेरे को नींद आती है तो अच्छे से सो जाया कर, वरना मैं बाद में ये बात मत बोला कर कि नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। तो इस वजह से मैंने ट्राई तो बहुत किया लेकिन नींद नहीं आई मेरे को। तो आज मैं सोचू जल्दी सो जाऊंगी एडिटिंग वगैरह करके। अभी एक वीडियो लाइव की थी और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि अब थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स आने लगे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं वीडियोस में। मतलब थोड़ा ये रहता है ना कि मोटिवेशन मिलता है, और नए नए जो व्यूअर्स होते हैं जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं ना, उनके नाम हमेशा याद रहते हैं जो पहले पहले स्टार्टिंग में होते हैं। तो बहुत मतलब खुशी खुशी सी फीलिंग हो, खुशी खुशी सी हो रही है कि हाँ चलो मतलब मैं कुछ काम कर रही हूँ फाइनली। बैठने से अच्छा है कि मैं कुछ तो कर पा रही हूँ। तो मैंने वीडियोस वगैरह डालना शुरू किया है तो उस पर भी आ रहे हैं थोड़े बहुत व्यूज़, और सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो गए हैं। अपने व्यूज भी लोग शेयर करते हैं तो हमें उनका जान के भी बहुत अच्छा हाँ लगता है। हाँ ऐसा भी हो रहा है कि मतलब वो लोग भी जैसे, मतलब वो लोग क्या, आप लोग बोलूंगी मैं तो, क्योंकि ये मेरा ही चैनल है। तो मतलब आप लोग भी अपनी बातें शेयर करते हो कि मैं भी 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी 19 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि लोग मेरे लिए, मतलब मेरी वीडियोस देख के खुद भी अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। उनको जो नहीं पता वो मैं उनको बताती हूँ, जो मुझे नहीं पता वो मुझे बता देंगे। तो मतलब अच्छा लगता है ऐसे। ऐसा और बिल्कुल फैमिली फैमिली फील होता है कि हाँ अब बातें शेयर हो रही हैं तो यू नो कि हाँ हम सब एक दूसरे का। मजा आता है। और हाँ एक काम, ये मतलब ये बात मैंने नोटिस की है कि यार लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कोई कोई ऐसा भी है कि मेरे एक वीडियो पे तो 1000 व्यूज होने वाले हैं लेकिन किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक्स वगैरह नहीं कर रहे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसा दिखता है कि ये नहीं होना चाहिए या इस वीडियो में कोई कमी है, तो प्लीज अभी मेरे को ना, जैसे मेरी स्टार्टिंग है अभी वीडियोज बनाने की, तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दो, मतलब बता दो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे कि आपकी वीडियो में ये कमी है या ये दिक्कत है, तो मैं अभी से ही मतलब उसको सुधारना, थक गई बोल बोल के, तो मैं उसको अभी से ही सुधारना चालू कर दूंगी ना, तो फिर ये रहेगा कि हाँ मैं मतलब आगे जाके इम्प्रूव अच्छे से कर पाऊंगी, है ना। हाँ ताकि आप लोग अभी बता दो, क्योंकि व्यूअर्स आप हो तो आप लोगों को ज्यादा पता चलेगा कि मेरी वीडियोस में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट ही करने की कोशिश करती हूँ। हाँ पर सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता ना, डिमोटिवेट सा फील होता है कि यार हम बना भी रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है और ऊपर से घर का काम भी करना होता है, फिर ये जो मेरा चुन्नू मुन्नू है इसके लिए आराम भी करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को, ताकि आपको भी मजा आए, मुझे भी मजा आए, और वीडियोस आगे जाएंगी तो फिर और एक दूसरे की जर्नी ऐसी हम शेयर करते हाँ रहेंगे एक कि दूसरे की जर्नी हम एक ऐसे ही शेयर करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-3 लोग कमेंट करने लगे हैं, अभी 1-2 दिन ही हुआ है तो नाम अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन पता है बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एक सब्सक्राइबर आया, मतलब वाओ, एक हाँ सब्सक्राइबर आया वाओ, एक लाइक आया वाओ। लाइक कि मोटिवेशन इतनी मिल जाती है ना कि हाँ अब अपन कुछ कर रहे हैं हाँ भाई। एक बंदे ने तो, मतलब एक लड़की है या लेडी है ये मैं नहीं जानती, उन्होंने तो मैसेज कमेंट करके मुझे सीधा बोला था कि आप फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालो, रोज वीडियोस डालो। तो मैं ट्राई कर रही हूँ 3 दिन से रोज वीडियो डालने की, उनकी उनके बोलने की वजह से सिर्फ, क्योंकि पहले मैं नहीं डाल पाती थी, थोड़ा आलस करती थी या फिर ये कह सकते हो कि मैं आराम ज्यादा करती थी, लेकिन फिर मुझे अजय ने भी बोला कि देख तेरे व्यूअर्स ही कह रहे हो तो तू खुद नहीं डाल रही। तो फिर अब मैंने सोचा कि हाँ मैं डेली बनाने की ट्राई करूंगी और डेली ही अपलोड करने का भी ट्राई हाँ करूंगी। जैसा अब आप लोग मांगोगे, जैसे आप लोग हाँ कहोगे वो तो हमें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि आप लोग बोलो, आप लोग हाँ बोलो क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, या मेरी वीडियोस में क्या कमी लगती है, सब बताओगे तो मैं आपको बताऊंगी। वो भी जैसे जैसे कि अजय ने अपन मुझे एक मेरी कमी बताई है कि तू तैयार नहीं होती, बाल ऐसे चिपड़ू की तरह रखती है, तैयार नहीं होती अच्छे से, अजय ने मुझे ये कमी बताई है। लेकिन यार धीरे धीरे कोशिश करूंगी मैं भी तैयार होने की, अभी आदत नहीं है, घर में कौन तैयार होता है, ऊपर से बाहर जाना नहीं है कहीं, इस वजह देखो ये भी, ये कोई तैयार होके बैठी है, मैं कोई तैयार होके बैठू, मेरी ऐसे ही सास रहता का है। डंडा नहीं है ना। हाँ वही बात है कि किसी का डंडा नहीं है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, इस वजह से कोरोना में हमें भी कहीं जाना नहीं है,
इस वजह से, तो ये मेरी कमी है, मैं मानती हूँ कि मैं तैयार कम होती हूँ। इसे हम कमी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि भाई हम नेचुरल रहते हैं। हाँ, हम आपको अपना फैमिली समझते हैं, फैमिली के आगे क्या ही अपना वो दिखाना। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब अजय ऐसा बोलते हैं कि प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। हाँ, वो ही कि हाँ भाई तुम किसी के सामने हो, किसी से बात कर रहे हो, लोगों को कनेक्शन फील हो रहा है, तो ठीक है धीरे धीरे वो भी मैं सुधार लूंगी। अगर तुम्हें वो दिक्कत लगती है तो उसके लिए बिग सॉरी, मैं धीरे धीरे वो भी ठीक करने की कोशिश करूंगी। बाकी अभी 5 बजने वाले हैं, पता नहीं मुझे कितनी देर हो गई बात करते करते, 8 मिनट हो गई है, तो अभी एडिट करके शायद 6 हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं जो भी मैंने आपको बताया, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे, फिर अजय आ जाएंगे। तो अभी हम ऑयलिंग करने वाले हैं, तो यहाँ ऑयलिंग करने बैठ तो गए, लेकिन इसको ऑयलिंग करना इतना मुश्किल है, हर जगह गुदगुदी गुदगुदी। इतने दिन से बोले जा रही है कि मेरे को ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, और अब आज देखो मतलब इसकी, इसने मतलब हद मचा, नहीं करना गुदगुदी हो रही है, ये हो रहा है, वो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मम्मी करती कैसे होंगी। अभी देख मम्मी को भेजने वाली हूँ सीधा मैं वीडियो के, बाबू मेरी मम्मी को आते, तेरी मम्मी को नहीं आते। अभी मेरे से एक बार भी करा के दिखाए, करानी पड़ेगी, मैंने सोचा हफ्ते में दो बार कराऊंगी। Everyone, this is night. तो being a real vlogger, हम वापस से आ गए हैं किचन में, घुस के दरवाजा बंद करके हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को चाय पीनी थी और फैन खाना था, इसलिए मैं चाय बनाने आई हूँ। और इसकी 2 रोटी रखी है, बोल रही है इनको गर्म करके खाने को दे दो, मतलब रात के 2:30 बजे हैं। मेरा तो बनता है पर तेरा साथ ही नहीं बनता ना। हम लोग तेज बोल रहे हैं, धीरे नहीं बोल रहे। हाँ हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं, बस अजय ना उठ जाए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो एक बार उठ गए ना फिर उन्हें नींद नहीं आएगी। No, we are vlogger, हम लोग जल्दी सो गए थे आज 10 बजे, मतलब ये नहीं सोई थी मैं और अजय सो गए थे, तो मेरी आँख खुल गई 1-1.5 बजे की करीब, तो मैं जो भूख लग रही थी मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ, अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ ताकि सुबह थायराइड की गोली लेने का टाइम आए, जब तक तब तक नीचे आ जाए। तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ, इसके लिए रोटी गर्म कर देती हूँ। हालत देखो कैसी हो रही है, ये लोग सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था। बस हमें ये डर है कि अजय ना उठ जाए, अभी अगर जी उठ गए फिर हम सुबह 5 बजे सोएंगे, फिर वो सोने नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम जागे हो, मेरे को इसके मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं जाग रहा हूँ तो तुम भी जागो। योगा करते हैं यहीं पे एंड। रात को किस किस को क्रेविंग्स होती हैं, मतलब क्रेविंग नहीं बोल सकते, खाना मतलब भूख लगती है, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगती लेकिन रात में बहुत ज़्यादा लगती है, और आज तो रीमा के साथ भी यही हो रहा था, तो अभी मतलब सुबह हुई है तो मैंने सोचा एंड कर देती हूँ वीडियो को पहले, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।